इस वीडियो में मैं आपको बेस थ्योरम एग्जांपल के साथ साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम के पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके जो पहले वीडियो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आपको, तो उसके पहले जस्ट पहले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद ये आप वीडियो देखते हो तो लगभग 70-80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसका 70-80% कॉन्सेप्ट इस थ्योरम का प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस हो चुका होता है। तो जैसे कि दोनों थ्योरम, बेस थ्योरम या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वन एंड ओनली एक ही इसका बेसिक फॉर्मूला है, जो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन रूल में डिस्कस किया था। तो उसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो पी ऑफ ए एंड बी, अब एंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंड को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो पी ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेट में पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन। तो पी ऑफ बी बाई ए क्या है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, बी की है, व्हेन इवेंट ए इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज गिवन, तो स्लैश का मतलब गिवन दैट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ ए बाई बी को पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। क्योंकि ए एंड बी या बी एंड ए ये दोनों सेम चीजें हैं, पी ऑफ ए एंड बी या पी ऑफ बी एंड दोनों सेम चीजें हैं। तो ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। अब इसमें थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करते हैं, देखिए बेस थ्योरम कुछ नहीं है, जो थॉमस बेस ने एक अपने पेपर में इसको एक थ्योरम जो पब्लिश किया था, ठीक है। तो उनकी खैर डेथ के बाद ये फोकस में आया था, तो अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसने उन्होंने किया क्या था, थॉमस बेस ने, तो उन्होंने बेसिकली ये जो थ्योरम था इस पे कुछ साइंस अप्लाई किया था, इसको मैथमेटिकली अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये उसमें अलग टाइप की प्रॉब्लम को उस फॉर्मूले से सॉल्व किया था, अलग टाइप की में रियलिस्टिक प्रॉब्लम को, जैसे कि आज के डेट में ये वो फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला आज के डेट में प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे वाइडली यूज्ड टूल है, ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस और मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, ठीक है, तो स्पैम फिल्टरिंग, बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ इस फॉर्मूले में, तो अगर हम इस फॉर्मूले में पी ऑफ ए से डिवाइड करूं, अब पी ऑफ ए से डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब पी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो। तो हमने अगर ये कंडीशन लगा दिया और पी ऑफ ए से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, तो यहां पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या हम इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, या पी ऑफ ए बाई बी, यहाँ पे पी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम पी ऑफ ए से डिवाइड करते हैं और राइट को लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते हैं, तो ये इस पे भी हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, ये भी अलग टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। अब बेस थ्योरम क्या है, अब इसमें और कुछ साइंस अप्लाई किया गया, इसमें और कुछ मॉडिफाई किया गया, जैसे कि इसमें आप देखिए क्या मॉडिफिकेशन और हो सकता है। अब बेस थ्योरम में दो चीजें इसमें आपको देखनी पड़ेगी, दो चीजों में फोकस करना पड़ेगा। पहला कि इसमें पी ऑफ ए डायरेक्टली गिवन नहीं रहता, इसमें किसी भी क्वेश्चन में पी ऑफ ए डायरेक्टली गिवन नहीं रहता। पी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि अब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में हम बताएंगे, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ भी हो सकता है मैं लास्ट में आपको बता दूं अगर टाइम थोड़ा मिल गया तो, ठीक है। तो अदरवाइज एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, खैर हम ऑलरेडी भी समझ चुके हैं। अब दूसरा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के देखिए दो फॉर्मूले हैं,
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दो, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अगर इसको फिर से यूज कर सकते हैं, तो इसको अगर यहाँ पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, मतलब अगर हम पुट कर दें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी, तो यहाँ पे ये ले सकते हैं इसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए, ठीक है। तो बस इसमें याद रखना होगा पी ऑफ ए डायरेक्टली गिवन नहीं रहता, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे पी ऑफ ए डायरेक्टली गिवन नहीं रहता। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज गिवन। तो ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप बेस फॉर्मूला बोल सकते हो। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, अब इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली देखिए जब प्रोबेबिलिटी ए की गिवेन हो, ठीक है, जब इवेंट बी गिवेन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर गिवेन हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना हो, समझ जाओ कि यहाँ पे बेस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर डायरेक्ट गिवेन नहीं है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को समझने के लिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल किसके इक्विवेलेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्विवेलेंट है। ए क्या इवेंट है, सपोज अगर ए इवेंट हो टू ड्रॉ ए रेड बॉल, ए इवेंट क्या हो, टू ड्रॉ ए रेड बॉल, टू ड्रॉ ए रेड बॉल, तो ये इवेंट है, ठीक है। तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको और क्या बोलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी, किसको बोलेंगे, पी ऑफ आर को। पी ऑफ आर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ठीक है। तो पी ऑफ ए डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोगों ने इसको निकालते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ इस फॉर्मूले को इसके बिना भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, नेचुरली भी सॉल्व करते हैं, तो दोनों तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो एग्जाम्पल वही प्रीवियस एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि डिफरेंस क्रिएट कर सकूं, ठीक है। चलो, एक बैग लिया हमने और उस बैग में देखिए दो रेड बॉल हैं और तीन व्हाइट बॉल हैं। ऐसे दूसरा बैग है, बैग टू, जिसमें तीन रेड बॉल हैं और चार व्हाइट बॉल हैं। सेम प्रॉब्लम है, बैग वन कंटेन्स टू रेड बॉल एंड थ्री व्हाइट बॉल्स, बैग टू कंटेन्स थ्री रेड बॉल एंड फोर व्हाइट बॉल। अगर क्वेश्चन ये हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए रेड बॉल एट रैंडम, तो ये क्वेश्चन अगर ये हो तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो टू ड्रॉ ए रेड बॉल इस इवेंट को अगर आर मान लें, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, यहाँ पे पी ऑफ आर की। और ये क्वेश्चन बन जाता है इसके प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल लिया था टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, पी ऑफ आर मतलब प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए रेड बॉल। तो ये हम लोग खैर देख चुके हैं, तो एक रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बैग सेलेक्ट करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे, मतलब सपोज हमने बैग वन सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बैग वन सेलेक्ट किया उसके बाद उसमें से रेड बॉल ड्रॉ करना है, तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कब, जब बैग वन हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि रेड बॉल जब आप पिक करने जाओगे तो वो डिपेंड कर देगा इवेंट बी वन पे, तो टू ड्रॉ ए रेड बॉल ये जो इवेंट है ये इवेंट किस पे डिपेंड करेगा, इवेंट बी वन पे डिपेंड करेगा। अब इवेंट बी वन क्या है, टू सिलेक्ट ए बैग फ्रॉम वन, बैग वन, तो टू सिलेक्ट बैग वन, ये इवेंट बी वन है। और बी टू इवेंट क्या है, टू सिलेक्ट बैग टू, तो ये दो इवेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यह हो सकता है कि बैग टू से सिलेक्ट हो जाए बॉल, ठीक है, ये दोनों इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब एक टाइम पे एक ही हो सकता है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब आर बीच में लगेगा, मतलब एडिशन, ठीक है। तो यह हो सकता है बैग टू से बॉल सिलेक्ट हो, तो बैग टू से बॉल सिलेक्ट हो इसके 50% चांसेस है, इसके प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब बैग टू सिलेक्ट कर लिया आपने सपोज, उसके बाद रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालेंगे, लेकिन कब, जब बैग टू हमने सिलेक्ट किया, तो रेड बॉल की रेड बॉल ड्रॉ करने का इवेंट यहाँ पे बैग टू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला था टोटल प्रोबेबिलिटी का जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है।
तो पी ऑफ आर यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग वन इसकी 1/2 इंटू पी ऑफ आर अपॉन बी वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग बी वन, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब दो रेड बॉल है, तीन व्हाइट बॉल है, एक रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/5 प्लस पी ऑफ बी टू कितना होगा, बैक टू सिलेक्ट करने के चांसेस 50% है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू, अब तीन रेड बॉल चार व्हाइट बॉल, तो एक रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 3/7, ठीक है। तो ये पी ऑफ आर की वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/5 प्लस 3/40, फिर से सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 15 कितना, 29 डिवाइडेड बाई 70, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया टू सिलेक्ट ए रेड बॉल, या टोटल प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट ए रेड बॉल, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन ये हो, अगर क्वेश्चन वन ना हो, क्वेश्चन अगर टू हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है बेस थ्योरम का। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो, इफ ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम इज फाउंड टू बी रेड, एक बॉल ड्रॉ किया हमने और वो क्या निकला, रेड निकला, हमने देखा वो बॉल कैसा है, रेड है, ठीक है। यहाँ पे रेड बॉल ड्रॉ करना था, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी रेड बॉल ड्रॉ करने की, ठीक है। यहाँ पे बॉल बता दिया गया कि वो रेड है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग वन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो रेड बॉल आपने ड्रॉ किया वो बैग वन से हो, क्योंकि रेड बॉल बैग वन से भी हो सकता है, बैग टू से हो सकता है, तो रेड बॉल बैग वन से हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है रेड वन, लेकिन किस वजह से आया है रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज बताना है, ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट। तो बेसिकली इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। घटना हो चुकी है, किस वजह से हुई है इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वहीं से आपको ज्यादा सा समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको हम ट्रिक बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि वो बॉल बैग वन से हो, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि वो बॉल बैग वन से हो, लेकिन कब, जब बॉल क्या आ गई है, रेड आ गई है, तो ये जो इवेंट है सिलेक्टिंग बैग वन, तो ये जो इवेंट है बी वन, तो ये इवेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इस इवेंट पे, टू ड्रॉ ए रेड बॉल इस इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज गिवन, व्हेन द बॉल इज रेड, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कैसी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूले में आप जाइए पी ऑफ बी वन अपॉन आर, ठीक है, तो ये पी ऑफ बी वन अपॉन आर क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, पी ऑफ बी वन इंटू पी ऑफ आर अपॉन बी वन अपॉन पी ऑफ आर, ठीक है। तो ऊपर जो फॉर्मूला था किसी से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे पी ऑफ बी बाई ए है तो यहाँ पी ऑफ ए आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसी तरीके से पी ऑफ आप लिख सकते हो बी वन अपान आर, तो पी ऑफ बी वन इंटू पी ऑफ आर अपान बी वन अपान पी ऑफ आर। अब पी ऑफ आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 29/70, ठीक है। अब पी ऑफ बी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग वन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 इंटू, अब रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बैग वन से 2/5, ये भी निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई 29/70, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 1/5 इंटू 70/29, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो 14/29, तो ये प्रोबेबिलिटी आ चुका है कि अगर वो बॉल बैग वन से हो, लेकिन जब बॉल क्या हो, रेड हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो 14/29 आंसर आ चुका है। अब बिना फॉर्मूले के देखिए, या इसका सेकेंड मीनिंग देखिए, कि इसी सेम प्रॉब्लम को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी हो, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी दैट
रेड बॉल केम फ्रॉम बैग वन, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल केम फ्रॉम बैग वन, केम फ्रॉम बैग वन, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग वन डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, आपको एक रेड बॉल आना चाहिए बैग वन से, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें एक रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बैग वन से, जो कि हम निकाल चुके हैं, रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बैग वन से, तो बैग वन सेलेक्ट करेंगे 1/2, उसके बाद उसमें रेड बॉल सेलेक्ट कर देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल मतलब बैग वन सेलेक्ट करें, रेड बॉल सेलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी, या बैग टू सेलेक्ट हो उसके बाद बैग टू से रेड बॉल सेलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 3/7, ठीक है। तो यही प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल केम फ्रॉम बैग वन। तो उसको हम इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये, क्योंकि बेस थ्योरम ये सबसे वाइडली यूज्ड एरिया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद इसका अगर मैथमेटिकल नोटेशन अगर आपको देखना हो, ठीक है, फॉर्मूले को और अगर एक्सटेंड करना हो, तो दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी को, बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसे एक टोटल सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस को सपोज चार इवेंट में हमने डिवाइड कर दिया, इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, इवेंट E4। अब ये चारों इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब एक टाइम पे एक ही इवेंट होगा, मतलब एक टाइम पे या तो बैग वन सेलेक्ट होगा, या तो आप क्या करोगे बॉल सेलेक्ट करोगे, या तो वो बैग वन से आ सकता है, या तो बॉल बैग टू से आ सकता है, या तो बैग थ्री से, या तो बैग फोर से, आप एन नंबर ऑफ बैग से यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब एक इवेंट ऐसा हो जो किसी भी इवेंट से कनेक्टेड हो, मतलब एक हमने इवेंट ए लिया, मतलब टू ड्रॉ ए रेड बॉल, आर लिया सपोज टू ड्रॉ ए रेड बॉल, अब रेड बॉल इवेंट E1 से हो सकता है, या रेड बॉल इवेंट E2 से हो सकता है, या E3 या E4 से हो सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी का। इसमें ये चारों इवेंट E1, E2, E3, E4 क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक टाइम पे एक ही होगा, उसके बाद एक इवेंट हो रहा है जो डिपेंड करेगा, या तो E1 पे डिपेंड करेगा और E2, या तो E2 पे, E3 पे, E4 पे, ठीक है। तो ये इवेंट सभी पे डिपेंड कर रहा है, चारों पे डिपेंड कर रहा है, एक एक टाइम पे एक ही पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी का।